मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास फाइव का इंग्लिश का बुक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर टू, माय मामाज लेटर, मेरे माता जी के पत्र। ओके, तो देखिए इसमें क्या कहता है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939 एंड कंटिन्यूड टिल 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से शुरू हुआ था और 1945 तक चलता रहा। द प्रेजेंट इंसिडेंट इज सेट ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिसका परिणाम आज हम लोग देख पा रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर टू दिस डे माई मदर्स लेटर राइटिंग, मुझे याद है कि मेरी माँ पत्र लिखा करती थी। इट बिगन इन द विंटर ऑफ 1941, उन्होंने लेटर लिखने का, पत्र लिखने की शुरुआत ठंडी महीने की 1941 में, ठंडी महीने में शुरुआत की थी। एवरी नाइट सी वुड सीट एट द बिग किचन टेबल एंड कंपोज ए लेटर टू माई ब्रदर जर्नी जॉनी, हर रात वो किचन का बड़ा सा टेबल पर बैठ जाती थी और मेरे भाई जॉनी के लिए वो लेटर लिखा करती थी। हु हैड बीन ड्राफ्टेड द प्रीसीडिंग समर एंड हैड नॉट बीन हियर्ड फ्रॉम सिंस पर्ल हार्बर, जो चला गया और कभी भी वापस नहीं आया। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई मामा केप्ट राइटिंग वेन जॉनी नेवर आंसर्ड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मी जो है सो जॉनी को लेटर क्यों लिख रही है जबकि वो एक भी आंसर नहीं दे रहा है। यू विल सी वी शैल गेट ए लेटर फ्रॉम हिम, तुम देखोगे कि हम लोग एक लेटर, एक पत्र प्राप्त अवश्य करेंगे। सी इंसिस्टेड, उसने यह इस बात का निश्चय किया, आश्वासन दिया। मामा सेड देयर वॉज ए डायरेक्ट लाइन फ्रॉम द ब्रेन टू द रिटन वर्ड डैट वॉज पावरफुल एज एनी गोल्ड गॉड गिवन लाइट, मामा कहती है देयर वॉज ए डायरेक्ट लाइन, कहती है मामा कि ब्रेन से निकला राइटिंग यानी कि हम लोग जो कुछ लिखते हैं वो ब्रेन से निकला हुआ एक डायरेक्ट लाइन होता है जो बहुत ही पावरफुल होता है। एज एनी गॉड गिवन लाइट, जैसा कि ऐसा इतना पावरफुल लाइन होता है जैसे किसी कोई गॉड ने वो लाइन खींची हो। सी वॉज काउंटिंग ऑन डैट लाइट टू फाइंड जॉनी, वो उसी लाइट से जो है जॉनी को ढूंढना चाहती थी। वेदर सी सेड दिस टू रिश्योर हरसेल्फ और पापा और ऑल ऑफ अस, जबकि उसे मैंने, पापा ने, हम सभी ने ढूंढ लिया। आई डोंट नो, हम लोग फिर भी नहीं जान पाए। वी डोंट नो इट हेल्प होल्ड अस टुगेदर एंड वन डे लेटर डिड अराइव, हम लोग आई डू नो इट हेल्प होल्ड अस टुगेदर, हम लोग जानते हैं एक दिन क्या हुआ, एक लेटर आया। जॉनी वॉज अलाइव इन साउथ पैसिफिक, जॉनी साउथ पैसिफिक में अभी रह रहा है, जीवित है। इट ऑलवेज अम्यूज्ड मी डैट मामा साइंड हर लेटर सेसिलिया कैपुज्जी एंड आई टीज्ड हर अबाउट इट, मतलब ये कि इट ऑलवेज अम्यूज्ड मी डैट मामा साइंड हर लेटर सेसिलिया कैपुज्जी, मामा हमेशा जो है, मामा इस बात से खुश हुई, ठीक है। और इट वॉज ऑलवेज अम्यूज मी डैट, मुझे इस बात की खुशी होती कि मामा जो है सो से अपने नाम से साइन करती है, उनका नाम था सिसिलिया कैपुज्जी एंड आई टीज्ड हर अबाउट इट, इसके लिए मैं उसे बार बार जो है मामा को चिढ़ाता भी था कि वो जो है सिर्फ मामा ही क्यों नहीं लिखती है, मतलब मम्मी ही क्यों नहीं लिखती है जो अपना नाम लिखती है साइन के जगह पर। वाट आई हैड नॉट नो वॉज डैट सी ऑलवेज थाट ऑफ हर सेल्फ एज सिसिलिया कैपुज्जी, मैं अब तक समझ नहीं पाया कि मामा जो है सो अपना नाम सेसिलिया कैपुज्जी क्यों लिखती है, नॉट मामा, मामा क्यों नहीं लिखती है। आई बिगन टू सी हर इन ए न्यू लाइट, मैं उन्हें जो है एक नई रोशनी की तरह देखना चाहता हूँ। दिस पेटाइट ओमैन हु इन हिल्स स्केयर्सली मेजर्स 150 सेंटीमीटर्स, मुझे उस पतली औरत से जो है जिसकी लंबाई जो है 150 सेंटीमीटर है, मैं काफ़ी उनके विषय में चिंतित रहता हूँ, काफ़ी सोचता रहता हूँ, काफ़ी विचार करता रहता हूँ, काफ़ी डरता रहता हूँ। सी वोर नो मेकअप, कोई मेकअप नहीं करती है और उनके पास कोई ज्वेलरी भी नहीं है एक्सेप्ट येलो गोल्ड वेडिंग बैंड
एक्सेप्ट फॉर ए येलो गोल्ड वेडिंग बैंड। उनके पास ना ही कोई मेकअप, कोई मेकअप नहीं करती है, ना ही उनके पास कोई ज्वेलरी है, बस उनके शादी का बैंड जो है येलो का, पीला सोना का जो एक बना हुआ, सोने का बना हुआ एक बैंड है जो उनकी शादी का है बस उनके पास, और कुछ नहीं है। हर हेयर वॉज फाइन, उनका बाल भी ठीक है, स्ट्रेट एंड ब्लैक, सीधा और काला है। टाइड इन ए बन डैट सी रिफ्यूज टू कट और पर्म, जिसे वो क्या करते हैं, काटते भी हैं और उसे घुंघराले टाइप का बाल बनाते हैं। हर टीनी स्पेक्टिकल्स विथ द सिल्वर फ्रेम पिंच्ड हर नोज, उनका जो सिल्वर टाइप सिल्वर फ्रेम का जो चश्मा है वो उनके नोज पर रहता है। आफ्टर सी फिनिश ए लेटर, जब वो लेटर लिखना बंद, पत्र लिखना ख़त्म कर देती है, बंद कर देती है, मामा गेव इट टू पापा टू मेल, तब वही लेटर पापा को देते हैं मेल करने के लिए, यानी कि भेजने के लिए। देन सी वुड पुट ऑन द कॉफ़ी पॉट एंड वी वुड सिट अराउंड द टेबल, तब वो क्या करती है, सो कॉफ़ी पॉट को लेती है और हम लोग जो है टेबल के चारों ओर बैठ जाते हैं। टॉकिंग अबाउट द गुड टाइम्स वेन देयर वेयर टेन ऑफ अस सिटिंग देयर, पापा मामा एंड एट चिल्ड्रेन, और हम लोग उस बारे में बात करने लगते हैं अपने फैमिली के बारे में जिसमें टोटल 10 मेम्बर्स थे, पापा थे, मम्मी थी और आठ बच्चे थे, जिनमें 5 लड़के और 3 लड़कियाँ थी। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल डैट एवरी वन हैड गोन अवे टू वर्क और टू वार और टू गेट मैरिड, एवरी वन एक्सेप्ट मी, अब जो है सो ऐसा संभव नहीं है कि हर सभी लोग जो है वापस आ सके, क्योंकि सभी लोग चले गए हैं काम पर, कोई कुछ जो है सो काम में बिजी है, कुछ लड़ाई में बिजी है, कई का शादियाँ हो गया है, मुझे छोड़कर बाकी सबकी शादियाँ हो गई है, यानी मैं मामा के पास ही रहती हूँ। माय स्प्रिंग टाइम, यह मेरा जो है बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही सुनहरा टाइम है। मामा हैड एडेड 2 मोर सन टू हर लेटर राइटिंग लिस्ट, कि देख रहे हैं कि मम्मी जो है सो दो और बच्चे को जो है दो अपने दो और बेटे को जो है लेटर लिखना शुरू कर दी है। एवरी नाइट सी वुड कंपोज 3 डिफरेंट लेटर, हर रात जो है वो 3 अलग अलग प्रकार के पत्र लिखती है। देन पास देम टू पापा एंड मी टू एड आवर ग्रीटिंग, और वो जो है सो पापा के पास देती है और मुझसे भी कुछ ना कुछ उसके विषय में जानना चाहती है। बिट बाई बिट न्यूज ऑफ मामाज लेटर ट्रेवल, दिन पर दिन बीतता गया, मामा का जो लेटर है पत्र है वो इधर से उधर ट्रेवल करता रहा। वन मॉर्निंग ए लेटर ओ मैन विथ गन मेटल ग्रे हेयर नॉक्ड ऑन आवर डोर, एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह जो है एक ग्रे बालों वाली महिला जो है सो दरवाज़ा को ढकढकाती है, नॉक करती है। हर वॉइस ट्रेम्बल्ड व्हेन शी आस्क्ड इज इट ट्रू डैट यू राइट लेटर, वो उससे पूछती है क्या यह सही है कि आपने लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। आई राइट टू माई सन, मैंने अपने बेटे के लिए लिखा है। एंड यू रीड टू, द वुमेन विस्पर्स्ड, एंड यू रीड टू, क्या आपने, उस महिला ने धीरे धीरे पूछा क्या आपने उसे पढ़ा है। सीसी यस यस हाँ हाँ, द वुमेन ओपेंड हर शॉपिंग बैग एंड पुल आउट स्टेग ऑफ एयर मेल लेटर, रीड डॉट 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 रीड टू मी प्लीज, कहती है क्या वो जो है सो महिला ग्रे वालों वाली अपना शॉपिंग बैग खोलती है और उसमें से जो है कई सारे जो है मेल निकालती है, कहती है देखिए कृपया पढ़िए इसे। द लेटर वेयर फ्रॉम द वोमैन सन फाइटिंग इन यूरोप, कहती है कि मेरा जो बेटा है वो यूरोप में लड़ाई कर रहा है, हो सकता है युद्ध में बिजी हो सकता है देश के लिए लड़ रहा हो। ए बॉय विथ रेड हेयर हु मामाज रिमेम्बर्ड, लाल वालों वाले एक लड़का जो मम्मी को याद करता था, यूज टू सीट ऑन आवर फ्रंट स्टेप विथ माई ब्रदर, वो ठीक मेरे सामने मेरे भाई के साथ बैठा करता था। वन बाय वन, एक एक करके मामा रीड द लेटर्स, मम्मी ने उस लेटर को पढ़ा। ट्रांसलेटिंग देम फ्रॉम इंग्लिश टू इटालियन, और उस लेटर को इंग्लिश से इटालियन में जो है सो ट्रांसलेट करके समझाते चली गई। द मामाज आइज मिस्ड एंड स्पार्कल्ड, नाउ आई मस्ट आंसर्ड, मम्मी की आंखों में एक चमक आई, उसने कहा मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सी सेड, उसने कहा, बट वाट वर्ड्स टू यूज, लेकिन जवाब क्या दूँ, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग करूँ, यही समझ में नहीं आ रहा था। मेक सम कॉफ़ी, तवी मामा कॉल टू मी,
मामा तो कह दीजिए कि ठीक है मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, बहुत सारा जो है लेटर आया, बहुत सारा लेटर आया, महिला ने लेटर निकाल के दी, उन्होंने जो है लेटर्स को देखा, लेटर में बहुत सारे बातें लिखी थी कि मेरा भाई मेरे सामने बैठा हुआ है, एक एक करके जो है मम्मी जो है लेटर पढ़ के सुना रही थी इंग्लिश से इटालियन में, उस ग्रे कलर वाली महिला को जो है सब सुना रही थी कि आपके बेटे ने ये सब जो है लिखा है। तब उसके बाद जो है सो लेटर पढ़ने के बाद जो है सो मामा जो है कि वहाँ को मैं एक चमक आती है, कहती है चलिए मैं इसका जो है जवाब ज़रूर दूंगा। और उसके बाद जो है मामा जो है मुझे, मेरा नाम तापी है, मतलब राइटर जो है उनका नाम तावी है, तवी। तो मम्मी जो है कहती है मुझे कि मिक्स सम कॉफ़ी, कुछ कॉफ़ी बनाने के लिए। एज सी लेड द ओमेन टू द किचन एंड चेयर एंड ए टेबल। उसके बाद क्या हुआ कि महिला जो है सो किचन में गई एक चेयर और टेबल पर। सी टुक आउट हर पेन एंड इंक एंड एयर मेल पेपर एंड बिगन टू राइट। उसने अपना पेपर और इंक निकाल करके एयर मेल पेपर, ठीक है, निकाल करके लिखना शुरू किया। सी वेन सी हैड मी फिनिश्ड सी रीड द लेटर टू द ओमैन। ठीक है, उस महिला के लिए, ठीक है, उस महिला के लिए उसने क्या किया, लेटर लिखना शुरू किया और लिखते लिखते पूरा कंप्लीट कर दिया। हाउ डिड यू नो आई वॉन्ट टू से डैट। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुमने कैसे जाना। आई ऑफन स्टेयर एट माई बॉयज लेटर द सेम एज यू एंड आई वंडर्ड व्हाट टू राइट। तब जो है ये जो महिला थी, जो मेरी माँ कहती है क्या, जो कि मैं आपके लेटर का मीनिंग सब समझ चुकी हूँ, इसलिए मैंने आपके लेटर को लिख, आपके लिए जो है एक लेटर लिखा है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आपका बेटा यूरोप में लड़ाई कर रहा है, लड़ाई में बिजी है, उसी तरह मेरा बेटा भी मेरे लेटर और लड़ाई में बिजी है और आपका जवाब नहीं दे पा रहा है, उसी तरह मैं भी अपने बेटे को पत्र लिखती हूँ लेकिन वो मुझे भी जवाब नहीं दे पा रहा है। सुन द ओमैन रिटर्न विथ ए फ्रेंड एंड अनदर ऑल विथ सन्स एट वर। ठीक है, एक एक करके जो है जल्द ही उसका बेटा जो है सो और उसका भाई एक एक करके जो है सो सब उस युद्ध से, उस लड़ाई से वापस आ जाएगा। ऑल इन नीड ऑफ लेटर, सब इसमें जो है लिख दिया गया है। मामा हैड बिकम नेवर लेटर राइटर। मामा जो है सो लेटर लिखने में जो है बहुत ही दक्ष थी। ठीक है, समझ में आया। समटाइम्स सी वुड स्पेंड ए होल डे इन राइटिंग। कभी कभी लिखते लिखते उनका पूरा दिन भी गुजर जाता था। मामा प्लेस्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन पीपुल साइन दियर नेम्स। मामा एक बात का बहुत ख्याल रखते थे कि लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि अपने साइन के सिग्नेचर की जगह पर अपना नाम लिखना। द लिटिल ओमैन विथ द ग्रे हेयर आस्ट मामा टू टीच हर। वो जो है ग्रे कलर वाली महिला कहती है कि क्या आप मुझे सिखा सकती हैं। आई वॉन्ट टू लर्न टू राइट माई नेम फॉर माई बॉय टू सी। मैं अपना नाम लिखना चाहती हूँ ताकि मेरा बेटा मेरे नाम को देख सके। सो मामा टुक द वुमेन्स हैंड इन हर। मामा जो है उसके उस महिला का हाथ अपने हाथों में लेती है एंड लेड इट अप एंड डाउन एंड अराउंड ऑन पेपर ओवर एंड ओवर अंटिल सी वुड डू इट विदाउट हेल्प। मामा क्या करती है उसके हाथ को ऐसे पकड़ करके और जो है बार बार जो है सो पेपर पर लिखाना शुरू करती है, बार बार पेपर पर लिखाना शुरू करती है, तब तक लिखाते रहती है जब तक वो खुद से लिखने नहीं लगे। आफ्टर दैट वेन एवर मामा रोट ए लेटर फॉर हर। जब मामा ने उसके लिए एक लेटर पत्र तैयार कर लिया, द वोमेन साइंड हर नेम एंड स्माइल। तब जा करके और जब मम्मी ने लेटर तैयार कर लिया, तब उस ग्रे कलर वाली महिला जो है उस लेटर पर जो है अपना साइन कर की। ठीक है, और उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, वो हंसते हंसते अपना जो है सिग्नेचर उस लेटर पर कर दी। वन डे सी केम टू आवर हाउस। एक दिन वो मेरे घर आई एंड विथ वन लुक मामा न्यू डैट ही हैड हैपेंड। क्या हुआ, एक दिन जो मेरे घर पर आई, ऑल होप हैड गोन फ्रॉम हर आइज। जितना भी आशा था उसके आँखों से, आँखों में सजा हुआ सब चला गया। दे सेट टुगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो सब एक साथ बैठी। डियर दियर हैंड टचिंग एंड दियर हार्ट लॉक्ड एज वन। उसके उन्होंने क्या किया कि उनका हाथ पकड़ लिया और उनके धड़कनों की आवाज़ सुनने लगी। ठीक, उनके गहराइयों को समझने लगी। देन मामा से तब मामा कहती है लेट्स गो टू चर्च। चलिए चर्च चलते हैं। दे आर समथिंग टू बिग फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। वहाँ जो है सो लोगों को समझने के लिए, ठीक है, एक बिग पीपल समथिंग, कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर जो है समझा जा सकता है। वेन मामा कैम होम, जब मामा वापस आई, सी कुड नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग एक्सेप्ट द बॉय विद द रेड हेयर। मामा जो है जब घर आई तो उस लाल वाले लड़के जो यूरोप में लड़ाई कर रहा था उसके सिवा और कुछ नहीं सोच पा रही थी, वो कुछ नहीं सोच रही थी। आफ्टर द वार मामा पुट अवे पेन एंड पेपर। लड़ाई के बाद मम्मी ने
क्योंकि ये दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और आपको पहले ही बता चुके हैं कि 1939 से 45 तक ये युद्ध चल रहा था, यूरोप में भी चल रहा था। आफ्टर द वार, युद्ध के बाद मामा पुट अवे पेन एंड पेपर, मामा जो है सो लिखना बंद की, पेन और पेपर से दूर हो गई। फिनिटो मतलब फिनिश कर दी, सी सेड बंद करो इसे, बट सी वाज रॉन्ग, लेकिन कहते थी लेकिन उनका कहना क्या था, गलत था। द वोमेन हु हैड कम टू हर विथ दियर सन्स, वो महिला जो है अपने बेटे के साथ आती है। मेल नाउ रिटर्न्ड विथ लेटर फ्रॉम दियर रिलेटिव्स इटली, और अपने पड़ोसियों को अपने संबंधियों को इटली में जो इटली में रहते थे ठीक है उनको मेल करने के लिए कहती है। दे आल्सो कैम टू हर फॉर हेल्प इन बिकमिंग अमेरिकन सिटीजन, वो जो है अमेरिकन सिटीजन लेने के लिए जो है सो उन्हें आग्रह करती है। मामा वंस कन्फेस्ड दैट सी हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ राइटिंग ए नॉवेल, मामा ऑलवेज हमेशा जो है इस बात को कन्फेस करते रहती है, उनका एक ड्रीम था कि वो हमेशा जो है वो क्या करे तो एक नॉवेल लिखे। वाई डिड नॉट सी आई आस्ट, ठीक तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मैंने पूछ भी लिया। एवरी वन हैज़ ए पर्पस इन लाइफ सी सेड, मम्मी कहती है क्या कि हर एक मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य होता है। माइंड सीम टू बी लेटर राइटिंग सी ट्राई टू एक्सप्लेन हर जील फॉर इट, मेरा भी लक्ष्य है ठीक है, मैंने अपने लक्ष्य को बना लिया है लेटर राइटिंग जो है सो मेरा लक्ष्य है, मैं क्योंकि इस काम को मैं खुशी खुशी कर पाती हूँ, इसका मतलब ये मेरा क्या जीवन का लक्ष्य है। ए लेटर पुल्स पुल टुगेदर लाइक नथिंग एल्स, क्या करता है लेटर एक दूसरे को, एक आदमी को दूसरे आदमी की तरफ खींचता है। इट कैन मेक यू क्राई और शट विथ जॉय, दे आर नो फाइनर केयर्स देन ए लवर लव लेटर बिकॉज इट मेक्स द वर्ल्ड वेरी स्मॉल एंड द राइटर एंड रीडर द ओनली रूलर, गर्ल ए लेटर इज लाइफ, लड़की कहती है कि दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ने का एक ही उपाय है कि लेटर राइटिंग, क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे को करीब लाते हैं, अतः लेटर यानी पत्र क्या है, एक जीवन है। मामा लेटर्स आर ऑलवेज गो नाउ, मामा का लेटर जो है हमेशा जाते रहा। येट द रेसिपिएंट स्टिल टॉक ऑफ हर, कैरिंग मेमोरीज ऑफ हर लेटर नेक्स्ट टू दियर हार्ट्स, वो जो है सो मतलब अपना लेटर का लिखने का काम वो जारी रखी ताकि जो है सो जो प्राप्त कर सके वो लेटर को, उनके मन में जो है उनकी बातें, राइटर की बातें, कहने वाले की भावनाएं वो सब आ सके। इस कविता को, इस जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, इसके जो राइटर हैं उनका नाम है ऑक्टेविया कैपुज़ी लोक, ऑक्टेविया कैपुज़ी लोक ये जो है राइटर है, और इनकी माँ जिनका नाम था सेसिलिया कैपुज़ी, उन्होंने जो है उनकी चर्चा इस पूरे कहानी में की गई है, इस पूरे स्टोरी में किया गया है। तो चैप्टर नंबर 2 ममाज लेटर का अंडरस्टैंडिंग हो चुका है और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। तो अब एक काम रह गया है कि वर्ड मीनिंग आप लोग याद कर लीजिएगा, वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा तो आपको इस बुक को दोबारा खुद से सेल्फ रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो आज का होमवर्क यही है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए और सेल्फ स्टडी में अपने वर्ड को बढ़ाइए। बेस्ट ऑफ लक।